हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिलाषा पोखरना। स्वागत है आपका बीस फूड मैजिक में। तो आज की हमारी रेसिपी है तंदूरी सोया टिक्का। यहाँ हम सोया चाप का यूज़ नहीं करने वाले हैं, सोया चंक्स का यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही प्यारी रेसिपी है, फुल ऑन प्रोटीन रेसिपी है। एंड एज अ स्टार्टर आप इस रेसिपी को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लेटर बनता है, आप इसे प्लेटर्स में सजाइए या फिर आप तंदूरी से, डायरेक्ट तंदूर से जो बनता है आप उसको भी बना के आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ बॉइलिंग वाटर, उसमें मैं डाल रही हूँ सोया चंक्स। आप जितनी क्वांटिटी में आप यूज़ करना चाहते हैं उतना आप ले लीजिए। आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करिए और इसे इस तरह से ड्रेन कर दीजिए झाली में। ये देखिए इस तरह से। अभी ये गर्म है तो हम इसे स्क्वीज नहीं कर सकते, इसका एक्सेस वाटर हम निकालेंगे बाद में जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए अभी गर्म है, इसे रखते हैं हम साइड में। तब तक हम मैरिनेट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक बड़ी मिक्सिंग बाउल में आप ले लीजिए मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल लेने से आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तंदूर का, तो आप वो ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा उसका। पहले तेल में हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके आगे के इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। नमक डाल दीजिए इसमें स्वाद के अनुसार। रोस्टेड जीरा पाउडर डाल दीजिए 1 चम्मच। काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए या क्रश करके डाल दीजिए। यहाँ मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, आप इसे ज़रूर डालिए, स्किप मत करिए। थोड़ा सा कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दीजिए और जिंजर गार्लिक का मैंने इस तरह से कूट के बना लिया है, आप वो भी डाल दीजिए इसमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच। नेक्स्ट इसमें डाल रही हूँ मैं हंग कर्ड। मैंने दही को हैंग कर दिया था आधे 1 घंटे के लिए, उसके बाद उसका एक्सेस वाटर निकल चुका है, आप वो वाला दही इसे यूज़ करिए। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से, फैट लीजिए इससे। अभी आप इसे एक बार टेस्ट कर लीजिए, आपको लगता है अगर मिर्ची की या नमक की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं इसमें से स्पाइसेस डाल रही हूँ, मिर्ची थोड़ा मुझे कम लग रही है इसलिए। मैरिनेट को आप एक बार टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए अभी रेडी है, इसमें हम डालेंगे हमारे सोया चंक्स। अभी ठंडी हो चुके हैं, इस तरह से इसका स्क्वीज करके इसका पानी निकाल लीजिए और डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से। अभी नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम, ये भी मैंने स्क्वायर कट कर ली है ताकि आप तंदूर में इसे अच्छे से फिट कर सके। और ऑनियन के भी मैंने इस तरह से ही स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करिए, अगर आप स्पून से करेंगे अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा, इसलिए हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करिए और सबको अच्छे से कोट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से। अभी ये अच्छे से कोट हो चुका है तो अब इसमें हम लगाएंगे धुंगार। धुंगार से भी बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है, फ्लेवर आता है धुएं का। तो इसमें मैं रख रही हूँ बीच में बोल और यहाँ मैं रख रही हूँ कॉइल। ये देखिए थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ मैं लौंग 3 से 4, और ऊपर से आप इसमें डाल दीजिए घी। और घी के डालने के साथ ही आप इसे बंद कर दीजिए इस तरह से। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा हैवी आइटम रख दीजिए ताकि इसका धुआं बाहर नहीं आए। अभी इसे 10 मिनट बाहर रखने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए मैं निकाल के आपको बता रही हूँ फ्रिज से सीधा। बोल को आप निकाल लीजिए, अभी आपका इसमें अच्छा वाला धुएं का फ्लेवर आ चुका है।
नेक्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ सबसे पहले टूथपिक, उसमें मैं इसे स्टिक कर रही हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले जो बनाने वाली हूँ ग्रिल तवे के ऊपर उसे रखने वाली हूँ, और नेक्स्ट जो बनाऊँगी वो मैं सीधे गैस पे, जो तंदूर होता है अब वो वाला फ्लेवर आएगा उसमें। तो हम सबसे पहले ये छोटे वाले प्लेटर जो हम सजाते हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। इस तरह से इसे स्टिक कर दीजिए। सबसे पहले कैप्सिकम लगा लीजिए या टूथ, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता है आप सबसे पहले वो लगा दीजिए। और इस तरह से छोटे छोटे आप स्टार्टर में आप इस तरह से बना के रख सकते हैं। सिंगल पर्सन आप इसे उठा के खा सकते हैं, बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है इसका। अभी यहाँ मैं ले रही हूँ बड़ी वाली स्टिक, उसमें भी इस तरह से इसे डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से आप इसे डाल दीजिए अपने हिसाब से। चलिए ये हो गया है हमारा सिंगल रेडी। अभी नेक्स्ट आप इस तरह से आप सारी बाकी जो भी है आप बना दीजिए। ये देखिए ये मैंने बाकी बना दिए हैं। ये हम जो बाकी है ये हम बारबेक्यू या फिर आप चाहे तो उसे गैस पे भी सेक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ग्रिल वाला तवा, जिससे हम ग्रीस कर लेंगे सबसे पहले बटर से। प्लेस कर दीजिए उस पे और मीडियम आंच में आप इसे सेकिए। इसे आपको चारों तरफ से इस तरह से पकाना है, चारों तरफ से टर्न करते जाइए इस तरह से और इसे पका लेना है। ये देखिए हमारा परफेक्टली कुक हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ मैं फ्लेम पे सेकने वाली हूँ, तो आप सबसे पहले फॉइल से आप इसे कवर कर लीजिए, क्योंकि हम ये मैरिनेट बहुत नीचे गिरता रहता है आपके फ्लेम के ऊपर, आपका स्टोव को पूरा ख़राब कर देता है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा बचा सकते हैं इस तरह से। चलिए इसे ग्रिल करते हैं। आप इस तरह से डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर भी कर सकते हैं या फिर फ्लेम के ऊपर आप स्टैंड आता है उसके ऊपर भी इसे प्लेस करके रख सकते हैं। आप दोनों वे से कर सकते हैं, मैं इसे डायरेक्टली फ्लेम पर कर रही हूँ। इस तरह से इसे फ्लेम में अच्छे से आप सेक चुके हैं। आप देखिए मैंने इस तरह से बना लिया है। तो चलिए हम सर्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये देखिए हमारा गैस पे जो हमने तंदूरी बनाया है, तंदूरी टिक्का, बहुत ही प्यारा टेस्ट है, बहुत ही जूसी बनता है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। और सेम जो हमने ग्रिल तवे पर बनाया है उसका भी फ्लेवर अच्छा आता है, आप इसे ट्राई करिएगा। इसके ऊपर हम चाहे तो आप इस पर चाट मसाला इस तरह से स्प्रिंकल कर लीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए ऊपर से और हरी चटनी के साथ इसे सर्व करिए। तो इसी तरह से आप स्टार्टर बना के आप तैयार करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और मेरी रेसिपी आती है ट्यूज़डे फ्राइडे 12:30 PM, ज़रूर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।